शुक्रवार रात और शनिवार सुबह भाजपा को बेनकाब करते हुए कुछ तथाकथित ऑडियो टेप हम सबके सामने आए, आप सबके सामने आए। तत्पश्चात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। एसओजी की टीम जो मानेसर में के उस होटल में पहुंची जहां मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के कब्जे में कांग्रेस के कुछ विधायक बंद हैं पिछले कई दिनों से, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए, एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते हुए सामने आई, मैदान में आई और कांग्रेस के उन विधायकों का जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है का वॉइस सैंपल नहीं लेने दिया गया। उनके साथ साथ बाकी विधायक जिन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं उनको भी होटल के चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से तड़ीपार कर दिया गया। ये शब्द में कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। आखिर क्या कारण है सचिन पायलट जी? आपको राजस्थान पुलिस पर कम भरोसा है, हरियाणा पुलिस पर ज्यादा भरोसा? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो आप अदालत में ये साबित कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के हिस्सा हैं, कांग्रेस में ही हैं, और दूसरी तरफ आप भाजपा के संरक्षण में हरियाणा में बैठे? आखिर क्या कारण है कि एक तरफ तो भाजपा संबंधित नामी गिरामी वकील अदालत में संघर्ष कर रहे हैं ये साबित करने के लिए कि आप कांग्रेस में हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के संरक्षण में वॉइस सैंपल देने से बचकर पिछले दरवाजे से विधायक निकलते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? सुनने में तो अब यह आया है कि इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटका में ले जाने के भी प्रयास हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जिन विधायकों पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई उन्हें भी भाजपा अपने संरक्षण में कड़ी पार करवा रही है? ये जायज प्रश्न है। हम मानते हैं चोर डरा हुआ है, हम यह भी जानते हैं चोर क्यों डरा हुआ है। चोर को मालूम है कि अभी तो जो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से सरेआम ये स्वीकारोक्ति हुई आज सुबह कि हां चोरी हुई, हत्या हुई, संविधान को रौंदने के प्रयास हुए, बड़ी बेशर्मी से आकर कहते हैं कि भाई कैमरा क्यों लगा था,